नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं तमाम दर्शकों को इस वक्त बताना चाहूँगा, साथ में अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारी टीम आज इस विलेज पनासा के अंदर, जो तहसील ठाकरा कोट में पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में, इस जहाँ इस जगह में खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारी टीम अभी कुछ समय पहले हमने तहसील ठाकरा कोट का विजिट किया था, वहाँ देखा हमने, उस रिपोर्ट को बनाया। बट वहाँ पे हम देखा कि जो लोग ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा नहीं आ रहे थे, वहाँ नीचे तहसील में नहीं जा रहे थे, लेकिन जो लोग अब ऑन कैमरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जो ऑन रिकॉर्ड कैमरा जो लोग सच बोलने के लिए, मेरी तो पब्लिक से इनसे सभी से अपील है कि अपने हक के लिए सच बोलना, झूठ किसी के लिए झूठा एलिगेशन नहीं लगाना, और ना झूठा एलिगेशन हमारी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ लगाती है। और हम सच के साथ लड़ते रहेंगे। अगर सच के साथ लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाएंगे तो हमारा चैनल शहीद, हमारा कोई भी रिपोर्टर अगर मरते अगर सच बोलते बोलते शहीद हो जाएगा, वो शहीद करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम इन्हीं पब्लिक से जानते हैं जो अभी कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ऑन कैमरा आ चुके हैं, कि हमारी जो तहसील ठाकरा कोट का क्या समस्या है, और यहाँ पे तहसीलदार साहब क्या आते हैं, क्या स्टाफ आता है कि नहीं आता है। जनाब आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका सर नाम बताएं। मेरा नाम बलदेव राम है, मैं यहाँ पनासे का रहने वाला हूँ, और यहाँ एक तहसील है, 7 पंचायतों पर तहसील, पहले ठाकरा कोट है, अभी पनासा भी, मतलब कोई गल तो डोगरी भी बोली सकते, कोई गल नहीं है। ये पनासे जड़ी 12 पंचायतों पर एक तहसील है। हर गाड़ी के लोग हैं, क्या नाम है, थनोल, थुब थनोल, ढकी कोट, नाड़ कोट, प्राण कोट, जैसे ये हुआ इधर से मताव हुआ, द्रहाण हुआ, ये सब की मतलब तहसील यहाँ है। और यहाँ कुछ मैं आपके एक्सप्रेस चैनल से माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ तहसीलदार बैठे, और महीने का मतलब है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये 30 दिन में, कब पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे, तो कब आए थे? दो तीन महीने हो गए अभी, दो महीने हो गए। वो कितने बार आया यहाँ पे? मेरे ख्याल है जी 2-3 दफ़ा यहाँ आए। तो क्या इससे पब्लिक आपको क्या बचा रहा है? ये पब्लिक खुश नहीं है जी। ये वहाँ यहाँ के, मैंने पहले ही बताया कि 12 पंचायतों के लोग आते हैं, 12 पंचायतों के लोग आने के, किसी को मतलब है, किसी का मतलब काम है, किसी का कुछ काम है, तहसील है यहाँ, मतलब है जिमीदारों का ही काम होता है सारा कुछ, मतलब है तहसील पर ही डिपेंड होता है, पटवारी वगैरह मतलब है यहाँ होने चाहिए, तहसील खुलना चाहिए उसको, अगर ये खुल गई है तो इसको काम होना चाहिए। तो नायक साहब नहीं आते हैं क्या? अभी 2-3 दफ़ा देखे जनाब, पहले तो मतलब अभी लोग खाली जाते हैं, आते हैं खाली जाते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, आज भी लोग मतलब ऐसे ही खजल हो रहे हैं। हाँ जी, और कोई बताना चाहिएगा, कोई बोलना चाहिएगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसपाल सिंह है। जसपाल सिंह जी, हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे आप कुछ, कुछ क्या तहसीलदार साहब का यही चाहेंगे कि लेकिन जहाँ आते हैं तो स्टाफ पूरा होना चाहिए, हर एक बच्चे को समस्या आती है, ठीक है, कोई बैठा होगा तो उधर काम तभी होगा ना। नहीं, सुबह से हमने देख रहा था कि कोई लोग घूम रहे थे यहाँ कुछ काम कागज के लिए, क्या बहुत सही बात है, आया था कोई? सही बात है, आते हैं, बच्चे को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए, अभी भर्तियाँ स्टार्ट हुई हैं तो मौके भी होंगे तो सभी का काम तभी होगा ना, सभी का काम, अगर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। यही कहना चाहता हूँ, स्टाफ सभी मौके पर होने चाहिए तभी काम होगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अग्रवाल। हाँ जी, तू दसो तुम्हारा क्या बचार है? साड़ा बजारी है, महाराज पटवारी तहसीलदार कभी नहीं मिले इधर, ये रियासी से आए। आज रियासी आया तुम? हाँ, काम कराने काम है कोई? काम है कितने आया? क्या काम है? काम में काकल लेने थे, कोई ना तहसील जमीन थे। अच्छा, ना पटवारी ना तहसीलदार, इधर मिलता है कोई नहीं। अच्छा, दो दिन हो गए मैंने बैठे, दो दिन हुए बैठे, दो दिन। अच्छा, मेरी भी जगह मैं बना सका हूँ खुद, भाई आते ही नहीं है। और कोई आया कोई काम वास्ते?
या पटवारी नहीं मैं ऐसे तेरे नाले में था मैं चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? नहीं मैं अब्दुल गनी है ना। अब्दुल गनी है ना। क्या नाम है आप? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी गनी जी जहाँ पटवारी साहब मैंने देखा ही नहीं आंखों से देखा ही नहीं बेचारा। दो महीने हुए लबे मुझे भी काम था उनके साथ लबे नहीं। क्या काम था? कोई कागज बनाने थे कोई सर्टिफिकेट देखना था कागज देखा जमीन का कोई कागज नकल लेनी वो लबते ही नहीं मिलते ही नहीं क्या करना उधर। हाँ तो आपके जो जो बीडीसी जो डीडीसी सरपंच पंच को वो भी नहीं मिलते है वो कोई भी नहीं मिलता है। अच्छा वो भी नहीं मिलते हैं? वो भी नहीं मिलता है जहाँ अच्छा, जाएंगे उधर मिलता है। बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। जरा डीडीसी बीडीसी कहाँ है आपके? डीडीसी बीडीसी सरपंच कहाँ है? वो हमारे उधर चकलवाला में। नहीं वो बोलते हैं वो भी नहीं मिले मिलते हैं यहाँ पे कभी कभी जब बुलाएंगे मेरा आते हैं। अच्छा अच्छा बोर्ड लेके भागे। अच्छा हमारे से हाँ डीडीसी वो हमारे जो अब जमीनों का उनका मकान का काम था वो पूरा जमीन का पूरा रोड ही रुट गया है। जमीन रुट गई है डीडीसी ने बोर्ड लिए है तो आप जिस बगली में बैठ गए हैं। अच्छा हाँ तो बीडीसी बीडीसी भी नहीं आए जहाँ? अच्छा हाँ बोर्ड लेने के लिए आते हैं। अच्छा डोगरी बोलो कोई गल नहीं डोगरी बोलो। लोगों की जमीन है ना मालिक की जमीन है वो खत्म हो चुकी है। अच्छा सरपंच पंच पंच वार्ड पंच भी नहीं आता है। अच्छा पंच भी नहीं सरपंच कोई नहीं आता है हमारी जमीन तक आंखों से देखो ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा ना वहाँ वहाँ देखेगा जमीन की मक्की देखेंगे। नहीं अगर सही मतलब कोई भी नहीं आता है यहाँ। आप देखिए ना नजर से देखिए कि जमीन में काम हुआ है मक्की हमें तो मिंट करके काम करते हैं तो मक्की चले जाती है वो पानी आता है रोड निकाले हैं तो पूरी मक्की चले जाती है। रोड का पानी एक नाली में आता है दूसरी में ऐसे ऐसे नाली बनाते हैं एक में सुटेगा तो पूरी जमीन ही खत्म हो जाएगी। वो किसी ने देखा नहीं है नहीं पंच आया है नहीं सरपंच आया नहीं डीडीसी आया कोई नहीं आया नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया हमें डीसी से भी वो किसी ने वो किया है एप्लीकेशन दी है कुछ नहीं आया है। हमारा चश्मा है जो पानी चश्मा पानी होता है कि बोली का पानी जहाँ ऐसा अच्छा पानी हमें नलके का नहीं चाहिए वो पानी में ऐसा किया है पूरे डीडीसी आएंगे पूरे मौके में आएंगे कि पूरा पानी है जो तो पूरा जंगलात का पानी है मालकी जमीन में सूटा है पूरी वो जगह देखा जाए के मौके भी आएंगे तो पूरा पानी खत्म हो चुका है। वो 50 घर के बंदे हैं जो तो वो पानी लेते हैं वो ही पानी है हमारे हमारे घर में कोई नलके नहीं लगे हैं। आप वो मौके में आइए देखेगा फिर बात चलती है। ऐसे बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं पब्लिक झूठ बोल रही है पब्लिक झूठ थोड़ी बोल रही है। क्या नहीं पब्लिक जब वोट देती है तब भी झूठ बोलना चाहिए पब्लिक को हमने वो पब्लिक दे देती है उस बल्ले आ जाते हैं लीडर लोग आ जाते हैं भाई हाँ वोट जहाँ डालना है कभी नहीं देखा है। मैं सच बोल रहा हूँ कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी जाइए 50 घर का पानी है वो पूरी ऐसी पेब पूरी जंगलात का जितना भी पानी है ना पूरा उसी नाले में डाला है पूरा डाला है वो पानी खत्म हो चुका है। तो मक्की भी है हमें बीजी है बीच में वो मक्की जमीन पूरी ऐसा हो गया ना नारा बन गया। उसमें पटवारी के बेरा को आना चाहिए था कंपनसेशन के लिए कोई आया ही नहीं है ना हमें बोल दिया ना सच आपने, आपने किसी हमें डीसी तक दिया है डीसी तक दिया एप्लीकेशन डीसी तक दिया है कोई भी मौके में नहीं आया सरपंच को बोला डीडीसी को बोला है क्या मौके में हम जगह झूठ बोलने के तो मौके भी आगे देख सकते हैं ना वो मौके भी आगे देख सकते हैं। अभी नजर तो काम करती है ना कागजों में लिख लेते हैं चलो भाई रोड ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो मौके भी आ जाए देखना चाहिए। हमारा रोड है ना बिल्कुल ऐसे बनाया कि नाले में चलो चलो वो तो साइड में देखेंगे जाके रोड का मौके भी आगे देखना जी रोड की भी बहुत समस्या नहीं वो तो चलो रोड की कोई समस्या जो को बाद में देखेंगे। रोड की तो नीचे पत्थर पड़ा हुआ है वहाँ भी बहुत देख रहे थे हम इस आते हुए देख रहे थे। ये थी हमारी पब्लिक से पब्लिक का जो ओपिनियन जो पब्लिक का कमेंट जो आपने सुन लिया और हमारे साथ और कुछ पब्लिक हमारे साथ जुड़ने चाह रही। जनाब आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका नाम जनाब? स्वागत है तालिब सैन नाम है मेरा। जी तालिब सैन मैं लोटचा का रहने वाला हूँ बीजेपी का एसटी मोर्चा का प्रधान भी हूँ यहाँ का जी ठाकरा कोट। तो सर यहां फिर तो बीजेपी का फिर तो आपने तो फिर उन्हीं की चमड़ी फिर तो आपने चमड़ी बचानी है फिर आपने मोर्चे का अपना पोस्ट बचाना है फिर आपने सच तो बोलना नहीं है नहीं, इसका मतलब कि आपका सवाल पूछने का कोई फायदा ही नहीं है नहीं, सर, क्योंकि आपने तो आपने सच तो बताना ही नहीं है।
जो सच है वो सच है, क्योंकि बीजेपी का इस वक्त बीजेपी का इसका जो भी कर्मचारी जहाँ पे जो भी लीडर्स हैं वो कभी भी पब्लिक के फ्रंट में नहीं आते हैं, वो पब्लिक को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं रियासी के अंदर सिर्फ माइनिंग को लेकर के और बड़े बड़े प्लांट के लिए, वो प्लांट में पड़े हुए हैं, वो बिजनेसमैन बनेगी बीजेपी, ये पब्लिक का कहना, मेरा कहना नहीं है, बिजनेस मेरी बात, आपने आप आपने जनाब आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि वो डीडीसी बीडीसी को आज तक आपके इतनी बड़ी पावरफुल है बीजेपी की सरकार है, वो डीडीसी बीडीसी पंच सरपंच को क्यों नहीं पूछते हैं तुम्हारे लीडर कहाँ है, ग्राउंड में क्यों नहीं आते? हमारी भी गलती है, कुछ लोगों की भी गलती है। डीडीसी और वीडीसी यहाँ पे आए थे, ये यहाँ ये रोड का काम लगा है ना, नहीं आए थे भाई, भाई नहीं आए थे, नहीं आए, बीडीसी नहीं आए, बीडीसी आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, रोड को देखते हैं, कब आते हैं रोड को देखते हैं, ब्लॉक दिवस, ब्लॉक लोगों का भी ये फर्ज है कि लोग उस वक्त बोलते नहीं, ब्लॉक दिवस में आ जाते हैं, कोई लोग कहते हैं भाई चलो चार पैसे दे दिए किसी को, ठेकेदार किसी ने दे दिए तो बस वो कहते हैं ठीक है जी चल चलने दे, चलो ये मशीन लगा के ये ऐसे जमीन शमीन बना देंगे तो बस, डीडीसी क्या करेगा या बीडीसी क्या करेगा या मंत्री क्या करेगा, जब पब्लिक ये कह रही है, अगर पब्लिक ये बोले कि यहाँ हमारी जमीनें जो हैं ये रोड की वजह से तबाह हो चुकी हैं, अगर उस वक्त बोले, अगर कोई अफसर यहाँ मुलाजम कोई या कोई मंत्री यहाँ कोई आए तो उस वक्त उनको बोलना चाहिए ना, हमारी पब्लिक जो है नहीं नहीं प्लीज प्लीज वेट करें, जहाँ डिबेट नहीं चल रहा है, जहाँ यहाँ सिर्फ बात एक वन बाई वन बोले, वन बाई वन बात ये है सर, डीडीसी आया था उसके साथ वो आया था रोड का जो क्या नाम है उसका वो एक्शन, वो भी आया था, उसने पूछा लोगों को भाई, यहाँ थोप में गया हम, लोगों को पूछा भाई आपकी जमीनें, चलो सर जमीनें मरो गई हैं तो आप रोड के बाद, जहाँ जहाँ हमारे जो विषय था, जहाँ वापस विषय पे लूट के आते हैं, रिटर्न बैग आते हैं, यहाँ विषय था कि यहाँ तहसीलदार साहब 2 महीने से 3 महीने से यहाँ पोस्टिंग है, तो क्या बीजेपी वाले उनको, क्या लीडर्स जो रियासी में जो आप लोगों को बैठे हुए हैं, क्या एक फ़ोन करके उनको पूछने की जहमत नहीं रखते हैं? क्या आपके बीडीसी डीडीसी क्या उनको फोन नहीं कर सकते हैं कि तहसीलदार साहब जी आप कहाँ, और दुनिया खज्जल हो रही है, रहती है, ठीक है वो ठीक है, आप यहाँ के मोर्चा क्यों की डिमांड है वो ठीक है, नहीं 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 बट ठीक तो है, आपने किसको अभी आप जनाब लीडर हो बीजेपी के, आपने कितनी रिपोर्ट किया? हमने रिपोर्ट नहीं किया, अभी रिपोर्ट नहीं, लोगों आपने, ने आपने सीनियर को, हमने लोगों ने हमको ये नहीं बताया कि यहाँ तहसीलदार नहीं आता, हमें हम कैसे आए, हम अपनी मर्जी से, अगर हफ्ते के एक बार आता है, अगर हफ्ते के एक बार आता है, आता है जरूर, ऐसी कोई बात, मीडिया का जवाब देकर फिर आगे, जी जी ये मीडिया का रूल्स है कि आप पहले हमारा जवाब दो उसके बाद आगे निकले, जी जी, अब मैं जो मुझे यहाँ कोई बुलाया किसी ने, किसी ने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाया मेरी, हमने तो बुलाया नहीं, नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाया, ये बात है, तो आपको किसी ने बुलाना था, आप बोर्ड के लिए आप जाते हो घर में मांगने के लिए, हाँ बोर्ड तो मांगने के लिए जाते हैं, जाते हैं, अब क्यों नहीं जाते आप, नहीं आप तो इलेक्शन आएगा तो फिर जाएंगे ना, पहले ही मतलब प्रस्त हो, मतलब प्रस्त है, नहीं सर मतलब प्रस्त नहीं है, जब इलेक्शन आता है, जब खाने, क्योंकि ये जब इंसान को खाने की जरूरत हुई तभी वो रोटी के पास जाता है, पहले ही 6 महीने जाके बैठ जाएगा तो फिर खाना तो उसने उसी वक्त खाना है ना, जब इलेक्शन आएगा उस वक्त हम वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाएंगे, और मोदी सरकार जो काम कर रही है, जाएगा, बात सुनो, मोदी सरकार जो काम कर रही मिल गया, जीत गए लोगों को, इन लोगों ने, आप इनसे पूछ लीजिए कि 10 किलो राशन इस वक्त हर इंसान को मिल रहा है, 5 किलो फ्री मिल रहा है, और 5 किलो जो है वो बीपीएल मिल रहा है, क्या ये लोगों की हौसला अफजाई नहीं है, ये फ्री मतलब 5 किलो फ्री मिल रहा है, जी जी अभी अभी हमारे मोदी सरकार जी ने कह दिया फ्री के चक्कर में ना तो श्रीलंका बन जाएगा, हाँ श्रीलंका तो बन जाएगा, तो फ्री कहाँ से आता है आपको, फ्री का मतलब भाषा पता है, फ्री क्या होता है, फ्री का यही मतलब है कि फ्री वहां से आता है, कहां से आता है, प्रधानमंत्री जी भेज दे, पता नहीं कहां से आता है, हिंदुस्तान से आता है, कहां से प्रधानमंत्री आता है जी, हिंदुस्तान में कहां से आता है, दिल्ली से आता होगा या महाराष्ट्र से आता होगा, आंध्र प्रदेश से आता होगा, तमिलनाडु से आता होगा, केरला से आता होगा, इन्हीं रियासतों में आता है, क्लियर कर देता हूँ आपको, जी जी ये जनता का पैसा है, ये भी बोला पिछले महीने तो है नहीं, ये भी बोलना जनाब, डरे ना कि ये पैसा, पहले बात सुनो हमारे, ये पैसा कहाँ से आता है, ये जो पब्लिक देख रहे पीछे, हाँ जी जी वो देख रहे हो पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, वो पी रहा है, देखना दिखाना उसको, पी रहा है ठंडा, ऐसा पीछे करिएगा, ठंडा पिला रहा है, हाँ देख देखिए उसके जाके कितना टैक्स दिया उसने,
चलो टैक्स दिया होगा सर, अगर अगर सर पैसा इधर आइए, सुनो मेरी बात, उसको कितना टैक्स दिया है? टैक्स तो देना पड़ता है ना, टैक्स का पैसा। डू नॉट यूज द फ्री, जी जी, राजनीति मत करिए आप लोग, जनता के साथ राजनीति मत करिए। राजनीति का कोई मतलब नहीं है सर, गवर्नमेंट सरकार मत लीजिए, कोई राशन फ्री नहीं होता है जी, कोई चीज फ्री नहीं होती है, वो कोई चीज फ्री क्यों नहीं होती, दे तो रहे हैं ना, वो क्यों नहीं फ्री होती, किसकी होती? फ्री फ्री तो दे रहे हैं ना, जनता के जनता के लिए ही दे रहे हैं ना, जनता को, जनता ही तो खा रही है। फ्री तो किसी सैलरी से कोई देता है? पर कोई अभी आप बनो के कभी बीजेपी ने कभी सैलरी किसी देखा है कि किसी एमएलए ने किसी एमपी ने सैलरी से निकाल कर किसी को फ्री में दिया? सैलरी से नहीं दिया, लेकिन इधर हिंदुस्तान से तो दिया ना, पीएम प्रधानमंत्री है वो ही तो दे रहा है ना, वो अगर नहीं देगा तो पब्लिक क्या करेगी? ना दे अच्छी बात है, 70 साल कांग्रेस की हुकूमत रही हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने क्या दिया? दिया फ्री? नहीं दिया फ्री, या 3 किलो राशन दिया? नहीं दिया। वो भी देती थी मोदी सरकार ने, 200 रुपया वो तनख्वाह देते थे पेंशन, अब उन्होंने 1000 रुपया पेंशन कर दी है, 1000 रुपया पेंशन कर दी है, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को अगर 1000 रुपया पेंशन मिलती है तो साल का 12,000 मिलता है, किसान को साल का 6,000 उसके अकाउंट में पड़ता है बीसी के लिए। सर मेरी बात सुनो, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बीज इस वक्त जिम्मेदारी का वक्त आता तो वो बी के लिए पैसे लोगों से मांगने के लिए जाते, आज तो प्रधानमंत्री जी अकाउंट में डाल रहे हैं, ये फायदा नहीं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की जी बातचीत मत करिए, आप अपने लेवल के लीडर, ग्राउंड ग्राउंड लेवल, तो हम भी तो उसी पार्टी के, ग्राउंड ग्राउंड लेवल की क्या बात है, रोडों के काम लगे हैं, प्राणकोट जो रोड, ये सर मेरी बात सुनो, ग्रेड स्टेशन तो यहाँ, चलो ग्रेड स्टेशन की बात करें, हाँ। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे तहसीलदार साहब, अभी लोगों ने आप सर तहसीलदार भी बैठेगा बेचारा, अगर कोई मजबूरी होगी उसको जो घर में होगा आ जाएगा तहसीलदार भी, हम बोलेंगे किसी, आपने कितने, अपने किसी, आपने कितनी कंप्लेंट किया आपकी पार्टी सर, लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, किसी क्यों नहीं जाते, हम हर वक्त यहाँ रहते हैं, क्यों नहीं जाते, लोगों ने बताना चाहिए कि यार तहसीलदार नहीं होता, मुझे कोई काम नहीं था तहसीलदार के साथ, मैं क्यों कहूँ ये बात। ये भी हमारे बीजेपी के लीडर थे और ये ने पूरा लीडरशिप का इन्होंने फायदा उठाया और पूरा लीडरशिप की तरफ से सवाल का जवाब दिया, फिर भी हम इनका धन्यवाद करते हैं कि लीडरशिप की तरफ से जवाब ना दें और जनता का काम करें और पहाड़ी जनता का काम करें। मैं इससे ज्यादा और ना कहते हुए अपना वैल्यूएबल कमेंट हमारे इस रिपोर्ट के ऊपर जरूर दें, क्या ये सही रिपोर्ट थी चाहे गलत थी, जहां कोई राजनीति नहीं थी लेकिन एक आदमी अचानक से हमें राजनीति वाला मिल गया, लेकिन उसने यही लीडर जो साहबान ने राजनीति जरूर की, उन्होंने तगड़ी राजनीति की उन्होंने इसी रिपोर्ट के अंदर, वो आप लोग आप देखिए आगे, और हमें दीजिए इजाज़त, जय हिंद, नमस्कार।